हमारे दोस्त हैं शहनवाज, उनकी बहुत ही एक ऐसी कविता जो सच में ऐसा मुझे लगा, उन्होंने भेजी कि ये कविता भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको आप जो है दुनिया की सभी मदर्स को जो है समर्पित करें। तो पूरी दुनिया के जितने भी लोगों को ये कविता सुनने को मिलेगी, मुझे लगता है उनका पुत्र भाव जीवित हो जाएगा और उनको ऐसा लगेगा कि ये उनकी खुद की लाइनें हैं। मैंने माँ को खामोश होते देखा है, मैंने उस पलंग को उस कुर्सी को मायूस होते देखा है जहाँ कभी वो बैठकर मुझे दुलार करती थी, कभी मुझे प्यार करती थी। अपनी थाली से एक एक निवाला बनाकर वो मुझे खिलाती थी। खुद भूखी रहकर मैंने उसे मेरा पेट भरते देखा है, मैंने माँ को खामोश होते देखा है। मेरे खिलौनों के लिए पापा से यूं ही लड़ जाती थी, जब मैं खुश होता था तो मेरे साथ वो बच्चा बन जाती थी। मैंने उसे अपने स्कूल के बाहर इंतज़ार करते देखा है, मैंने माँ को खामोश होते देखा है, मैंने माँ को खामोश होते देखा है, मैंने माँ को खामोश होते देखा है। मैं कुछ ना बोलूं फिर भी ना जाने कैसे बात समझ जाती थी, छोटी बड़ी हर चीज़ मुझे समझाती थी। तबीयत नासाज होने पर नज़र भी उतारती थी, हर रात उसे जग जग कर मुझे सुलाते देखा है, मैंने माँ को खामोश होते देखा है। अब घर में बर्तनों की आवाज़ बंद हो गई है, चूड़ियों का खनखना भी अब बंद हो गया, मैंने चहकते घर को सूना होते देखा है, मैंने माँ को खामोश होते देखा है, मैंने माँ को खामोश होते देखा है। मैं उन्हें हर वक्त याद करता हूँ और बस यही सोचता हूँ, काश थोड़ा वक्त और मिल पाता, काश मैं उन्हें ये कह पाता कि मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, कि मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। मैंने अपने आप को उस वक्त लाचार होते देखा है, मैंने माँ को खामोश 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 होते देखा है।